बताओ कैसे भाग गई वो? वो यहाँ से नहीं भागी, हम तो बाहर खड़े होकर के आपका वेट कर रहे हैं। मेरे वेट करने के चक्कर में तुम परी को जाने दोगे? यहाँ से नहीं गई है वो। ओए मैं कुछ बोलूँ? देख रही थी। क्या देखूँ? तुम लोगों के हाथ लग गई थी ना परी, फिर भी तुम लोगों का चकमा देके भाग गई और कुछ नहीं किया तुम लोगों ने। परी के सामने आ गया है दिलजीत और राकेश का सच। यहाँ पर हमने देखा है ना कि राकेश पहुंच जाता है परी के पास और परी उसको चांटा वगैरह मार देती है, उसको गुस्सा करती है और वहाँ से भाग जाती है। अब ऐसे मुंह लटकाने से क्या होगा? मुंह तो ऐसे लटका रहे हो जैसे कि परी खुद आ जाएगी अपने आप को हमारे हवाले करने के लिए। मेरी जो प्रॉब्लम है वो संजू से, मैं उसे तो मार सकता नहीं, भाई है ना मेरा, लेकिन अगर तुम जिंदा रही। लेकिन भाई अब राकेश और दिलजीत एक दूसरे से मिलते हैं और ये सब चीजें ना परी देख लेती है और दिलजीत के मुंह से निकल जाता है कि भाई नीति ने वो तुमसे शादी कर लेगा, फिर तुम्हारा बच्चा होगा, तब सारी प्रॉपर्टी जो कि एक्चुअल मेरे माँ बाप की है उसे मेरी वो पागल माँ तुम्हारे और संजू के नाम कर देगी। मुझे मारने के लिए बोला है और मैं उसको मार के ही रहूंगा, तो अब ये सुन के ना उसके होश उड़ जाएंगे। मतलब परी अभी तक लग रहा था कि सच तो सामने आ गया था नीति का। बचपन से लेके आज तक मेरी माँ ने मेरे सारे हक संजू को दिए, वो सब तुम्हें बर्दाश्त कर गया, मैन ऑफ स्टील, पर अब इतनी सारी प्रॉपर्टी किसी और के पास कैसे जाने दूं। लेकिन ये नहीं पता था कि भाई यहाँ पर उसने दिलजीत और राकेश को स्पेशली भेजा है उसे मारने के लिए। तो अब देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर वो कैसे बच के भागेगी। एक बार तो बच के भागी जाती है यहाँ पर वो। अब तुम्हें तो मरना पड़ेगा। देखो ये परफेक्ट जगह, एकदम गहरा, यहाँ से गिरोगे। मंदिर में होती है और दोनों लोग अटैक कर देते हैं, राकेश और दिलजीत। लेकिन यहाँ पर माता रानी का त्रिशूल होता है और त्रिशूल लेकर ना उन दोनों पर वो अटैक कर देगी और वहां से भाग जाएगी। अब ये सारी चीजें ना नीति को पता लग जाएंगी और नीति भागती भागती आएगी और दोनों को डांटने लगेगी, राकेश और दिलजीत को, कि भाई और परी ने तुम्हें इतना पागल बनाया कि वो भाग गई यहां से, तो एक काम करो मैं ढूंढती हूं परी को। और अब देखते हैं परी कैसे नहीं मिलती। वहीं हम देख रहे हैं कि भाई दिलजीत को परी मिल गई है और यहाँ पर दिलजीत जो है ना वो सब सच बता देता है। वो बताता है एक्चुअली कि भाई प्रॉपर्टी के लिए वो परी को मारना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि राजीव और परी की शादी हो, उनके बच्चा हो, और वो प्रॉपर्टी का जो सब दिलजीत को मिलने वाली है ताई जी उसके बच्चे को दे दे, और यही रीजन होता है कि वो उसको मारना चाहता है। इतने में वो धक्का देने को ही होता है, परी जो होती है वो उठाती है मिट्टी और दिलजीत के ऊपर डाल देती है और भाग जाती है वहां से। अब फिर से भाई भाग गई है परी और यहाँ पर हम देख रहे हैं भागते भागते ना वो राजीव और ताई जी के पास पहुंच जाती है लेकिन उनसे मिल नहीं पाती। उससे पहले ना राकेश आ जाएगा और राकेश बंदूक निकालकर राजीव और ताई जी के ऊपर चलाने वाला होता है। तो अब आने वाले एपिसोड में देखेंगे क्या भाई वाकई में वो बंदूक चला देगा, क्या चल जाएगी गोली, और क्या राकेश राजीव को मार देगा या ताई जी को मार देगा, या फिर परी आके इन दोनों को बचा लेगी और परी की चली जाएगी जान।